Hi guys, welcome back to my channel and I'm Pallavi Das with you guys. So guys, आज मैं करने वाली हूँ the most affordable blush review, liquid blush review. तो I guess आपको title से पता ही चल गया होगा कि कौन सा blush मैं आज review करने वाली हूँ. I'm going to apply all the three shades on my फेस एंड शो इट टू यू कि कैसा एप्लीकेशन है कैसा फेस पे लगता है सारे शेड्स सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो सो गाइज मेरे पास है तीन शेड्स ऑफ एली एटीन का लिक्विड ब्लश तीन शेड्स में उन्होंने रिलीज किया और मेरे पास तीनों शेड्स है द शेड नेम्स आर कोरल पिंक एंड रेड सो कोरल पिंक एंड रेड तीनों डिफरेंट uh, शेड कैटेगरी से है बट तीनों बहुत ही प्यारे शेड्स है लाइक like, सो so गाइज आप तीनों शेड हैंड्स वॉच पे देख सकते हो कितने प्यारे शेड्स हैं मैंने तीनों शेड्स अपने चीक्स पे भी अप्लाई किया है तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो कि बहुत ही प्यारे शेड्स हैं तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द एप्लीकेशन सो गाइज यू कैन सी द पैकेजिंग इज वेरी बेसिक ट्यूब पैकेजिंग सो आई एम गोइंग टू यूज द फर्स्ट शेड दैट इज कोरल ये बहुत ही सुंदर सा कोरली शेड है एंड मैं इसको अपने चीक बोन के पास अप्लाई करूँ तो गेट दैट लिफ्टेड लुक आप देख सकते हो ये बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाता है क्योंकि इसका थिन कंसिस्टेंसी है बट एक बात बोलना चाहूँगी कि ये ब्लशेज ना बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है तो आपको यू कैन जस्ट गो अड एंड यूज लिटिल बिट मोर ऑल्सो इफ यू आर अफ्रिट यूज ब्लशेज लाइक दिस आर नॉट वेरी पिगमेंटेड ब्लश सो यू कैन गो अड एंड अप्लाई एज मच एज यू वॉन्ट सो दिस शेड विच आई एम यूजिंग इस शेड पिंक और मैंने इसको डब्लू Uh, वे में यूज़ किया है टू गेट दैट सन लुक ये भी बहुत प्यारा शेड है वन ऑफ माई फेवरेट शेड फ्रॉम दिस रेंज एंड ये भी बहुत ईजिली ब्लेंड हो रहा है आई थिंक दिस शेड इज द मोस्ट ड्यूई शेड अमंग ऑल ऑफ दिस शेड बट बहुत ही प्यारा शेड है दिस शेड इज शेड रेड जो कि लास्ट शेड है एंड इसको मैं यूज़ कर रही हूँ टू गेट दैट फुलर फेस लुक जो कि आप चीक एपल ऑफ द चीक में यूज़ करते हो एंड यू कैन सी ये भी बहुत ही प्यारा शेड है ये थोड़ा सा मैट शेड है यू कैन सी बट नॉट वेरी मैट अगेन ऑल द शेड्स आर क्वाइट यू एंड आई लव ऑल द शेड्स फ्राम दिस रेंज तो गाइस मैंने ये जो ब्लशेज़ है बहुत ही ये थिन कंसिस्टेंसी का है तो ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है मैंने दो अपने फिंगर्स से ही सिर्फ ब्लेंड किया है सारे ब्लशेज़ को क्योंकि ऑब्वियसली ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर से बहुत इजीली ब्लेंड हो जाएगा तो मोस्ट टास्क इसकी फिंगर्स से अच्छे से ब्लेंड होता नहीं होता है कि नहीं वही देखना है तो ये फिंगर्स से भी बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है लाइक यू कैन सी अभी राइट नाउ आई एम वेयरिंग द शेड पिंक जो राइट नाउ आई एम वेयरिंग इट इज़ लाइक अ वेरी ब्यूटीफुल पिंक शेड लाइक एन एवरीडे पिंक शेड यू कैन वेयर इट लाइक ऑन एन एवरीडे बेसिस एज वेल बहुत ही प्यारे शेड्स है तीनों शेड्स आई वुड से लाइक कि एवरीडे बेसिस काइंड ऑफ शेड है कि आप लोग कभी भी यूज़ कर सकते हो इस शेड को कोई भी आउटफिट के साथ कोई भी मेकअप के साथ आप ये शेड्स यूज़ कर सकते हो तो जो मैं बोल रही थी कि इसका कंसिस्टेंसी बहुत ही थिन और आई वट स लिक्विडी है इट इज इट हैज़ अ क्रीमी टेक्स्चर टू इट बट बहुत थिन कंसिस्टेंसी है जो बहुत ईजीली ब्लेंड हो जाता है ऑल्सो वन मोर थिंग दैट दिस ब्लश हैज़ दिस ब्लश हैज़ लिटिल बिट ऑफ हाईलाइट पार्टिकल्स लाइक थोड़े ग्लिटर पार्टिकल्स है इसमें जो कि आपको वो अच्छा सा ग्लो देता है आई हैव नॉट यूज एनी हाईलाइटर टूडे ऑन इन माई मेकअप तो आप देख सकते हो कि बहुत ही ब्यूटिफुल सा ये ग्लो दे रहा है लाइक like, विद इन काइंड ऑफ ग्लोब को अलग से कोई हाईलाइटर नहीं यूज़ करना पड़ेगा इसके साथ सो बेसिकली दिस इज नॉट अ मैट ब्लश यू कैन से ये तीनों में से कोई भी मैट ब्लश नहीं है सारे डूई ब्लश है तो अगर आप इसके ऊपर कोई मैट ब्लश से टॉपअप करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो लाइक इट्स योर विश बट मुझे ये वाला फिनिश बहुत अच्छा लग रहा है जो ड्यू डूई फिनिश दे रहा है ये सो दैट इज़ अबाउट द ब्लश इसका पैकेजिंग भी बहुत ही बेसिक पैकेजिंग आता है लाइक इसका कोई कार्ड बॉक्स नहीं आता डायरेक्टली आपको ऐसे ही मिलेगा लाइक ये ट्यूब पैकेजिंग में लाइक बहुत बेसिक पैकेजिंग है एलिएटिन का जो मेन लोगो है उसका ये फेस और ये एलिएटिन लिखा हुआ वही बहुत बेसिक पैकेजिंग है तो इसने पैकेजिंग में तो ज़्यादा खर्चा ऑब्वियसली नहीं किया है एंड इसका ऐसे निकलता है फ्रॉम हियर इट कम्स आउट सो इज नो पम्प और एनी थिंग यू हैव टू स्क्वीज इट आउट स्क्वीज़ इट एंड टेक इट आउट एंड सो गैस इन सारे ब्लशेज़ का जो प्राइस है वो है वन एटी फाइव रुपीज़ ईच लाइक एम आर पी जो है बट ओबियसली ऑन सेल यू विल गेट इट ऑन अज डिस्काउंट क्योंकि एलिएटीन पे हमेशा बहुत अच्छा डिस्काउंट चलता रहता है लाइक मैंने शायद ये ब्लच अराउंड हंड्रेड रुपीज़ में ख़रीदा है तो यू कैन गेट सच ब्यूटिफुल ब्लश इन जस्ट हंड्रेड रुपीज़ लाइक लिक्विड ब्लशेज यू डोंट गेट ईजिली बट क्रीम ब्लश में मैंने सिर्फ मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक्स का देखा है उसका बहुत अच्छा टेक्स्चर है उसका भी शॉर्ट्स वीडियो है है मेरे यूट्यूब शॉर्ट पर या फिर आप इंस्टाग्राम में भी चेक कर सकते हो उसका एक एप्लीकेशन और उसका थोड़ा छोटा सा रिव्यू दिया हुआ है यू कैन चेक दैट ऑल्सो बट फॉर अ लिक्विड ब्लश दिस इज़ अ वेरी गुड डील यू कैन डेफिनेटली गेट दिस ऑन फ्रॉम नायका एमजोन पर्पल एंड नॉर्मल जो लोकल कॉस्मेटिक शॉप्स होते हैं वहाँ पे भी ये सब मिलते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गेट इट फ्रॉम देयर इज वेल तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द एलिएटिन ब्लश रिव्यू आई होप आपको ये रिव्यू अच्छा लगा आई कीप आई ट्राई टू कीप माई रिव्यूज लिटिल शॉर्ट एंड क्रिस्क ताकि आप लोगों को मेन डिटेल समझ में आ जाए प्रोडक्ट का ताकि आपको खरीदने में कन्फ्यूजन ना हो सो आई होप यू गाइज लाइक दिस रिव्यू इफ यू लाइक दिस रिव्यू और दिस वीडियो देन गिव अ बिग थम्स अप टू माई वीडियो एंड फॉर मोर सच रिव्यूज मेकअ ट्यूटोल्स मेकअप वीडियोज टू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन बिजाइट इट एंड यू हैव नॉट फॉलोड मी ऑन इंस्टाग्राम येट देन प्लीज डू हरी अप ओवर दैर बिकॉज आई पोज अ लॉर्ड ऑफ मेकअप ट्यूटोरियल शॉर्ट ट्यूटोरियल्स एंड ट्रांजेक्शन रील्स ओवर देर So do not forget to follow me on Instagram till then stay healthy stay beautiful bye bye